देखो मैं नहीं जानता क्या चल रहा है और तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, बट सीन बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है मेरे लिए। सुबह से क्या सीन तुम लोगों ने क्रिएट किया है मैं नहीं जानता, है तो तुम लोग मिल बांट के करो या मुझे नहीं पता। तो देखो बेसिकली सीन इतना था कि भैया तुम लोग चाहते थे मैं कंटेंट क्रिएटर लूँ, अब इस चीज़ का तुम लोगों ने मेरे खिलाफ़ जस्टिस बना लिया, क्या कर लिया मुझे नहीं पता। सुबह से हैशटैग M4N कंटेंट क्रिएटर ये भैया मेरे इंस्टाग्राम पे और ना जा रहे कहाँ कहाँ मेरे को DMs आ रहे हैं, तो ऐसा मत करो भाई, कंटेंट क्रिएटर मैं नहीं लेना चाहता, प्लीज़ मेरे को ट्रोल ना किया जाए। मतलब हर जगह मेरे पूरे इंस्टाग्राम पे भैया मेरे को ये चीज़ बोली जा रही है, हर एक चैट में कोई चीज़ देखने की मिल रही है, M4N भाई कंटेंट क्रिएटर लो, M4N भाई कंटेंट क्रिएटर लो। तो भाई क्या मतलब किसका प्लान था, एक कोई यूट्यूबर है, कौन है तुम्हारे पीछे मुझे पहले ये बता दो। मतलब मैं आज तक तुम लोगों के लिए जस्टिस किया करता था, बट तुम लोग आज मेरे खिलाफ ही मुहिम स्टार्ट करके बैठ गए कि नहीं कुछ भी हो तुम्हें कंटेंट क्रिएटर लेना है। तो देखो ये एक ऐसी तुम लोगों की डिमांड है जो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता और मैं मानना भी नहीं चाहता, मैं SG का कंटेंट क्रिएटर चाह के भी नहीं लेना चाहता। मेन रीज़न सिर्फ एक ही है कि देखो ऑलरेडी मेरे चैनल जा चुके हैं बहुत सारे, और जो M4N था उस पर भी स्टंबल गाइड को हटाने का मेन रीज़न यही था क्योंकि SG वालों ने वहाँ पर भी मेरे को स्ट्राइक मारी थी। तो क्या फ़ायदा है ऐसे गेम का कंटेंट क्रिएटर लेके जहाँ पे तुम लोगों को सपोर्ट ही ना किया जाए एंड तुम लोगों के 4 या 5 साल 10 साल की मेहनत को चुटकियों में बर्बाद कर दिया जाए। तो ऐसे किसी गेम का कंटेंट क्रिएटर मैं नहीं लेना चाहता, मैं SG खेलना भी नहीं चाहता, बट तुम लोगों के प्रॉमिस की वजह से मैं SG सेकंड चैनल पर खेल रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ में खुश ले लो, मेरे बस की ना है ये कंटेंट क्रिएटर वाला तुम्हारी जो नई डिमांड आ रही है ये मान। जो भी बंदे मेरे खिलाफ भैया जस्टिस कर रहे हैं मैं चाहता हूँ तुम लोग ये चीज़ मुझे बताओ उसके पीछे है कौन, कौन तुम लोगों से ये चीज़ करवा रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस आना भैया नॉर्मल तो किसी बात नहीं है, या तो तुम लोगों के पीछे कोई बड़ा हाथ है जो ये चीज़ करवा रहा है तुम्हारे से जिसके सुन के तुम लोग ये कर भी रहे हो। एक चीज़ बोलूँगा ये चीज़ मैं नहीं मान सकता, और वैसे भी तुम्हारे भाई इंडस्ट्री इनसाइडर बनने जा रहा है, फॉर्म तुम्हारे भाई ने फिलअप कर चुका है और भैया मेरे पास मेल भी आ चुके हैं, मैं इंडस्ट्री इनसाइडर बनने जा रहा हूँ, तो मैं एक साथ दो दो गेम के अंदर कंटेंट क्रिएटर नहीं ले सकता। मैं इंडस्ट्री के अंदर कंटेंट क्रिएटर ले चुका हूँ एंड उसी में मैं खुश हूँ भैया, कम से कम वो इंडिया का गेम है और थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट करेगा, कम से कम इतना तो समझेगा कि हमारे 4 या 5 साल की मेहनत वो डुबाएगा नहीं जैसा कि यहाँ पे हो रहा था हमारे से। बस इतना ही बोलूँगा, प्लीज़ इस चीज़ को बंद कर दो, मैं और ये चीज़ नहीं चाहता, मैं खुद कंटेंट क्रिएटर नहीं लेना चाहता और मेरा मन भी नहीं है लेने का। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर दूँ जो बंदे ये मेरे खिलाफ़ जस्टिस स्टार्ट कर रहे हैं मत करो भाई, बहुत गलत होगा एंड ये डिमांड ऐसी है जो मैं चाह के भी नहीं मान पाऊंगा, क्योंकि भाई एक ही बंदा दो चीज़ों का कंटेंट क्रिएटर वैसे भी नहीं हो सकता, और मैं इंडस का ले चुका हूँ तो तुम लोग पता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल वाली डिमांड मेरे से मत करो, तुम लोगों की सब डिमांड मानता हूँ बट ये नहीं मान पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। इस वीडियो में इतना ही था, बस इतना ही बोलूंगा, बट अब मेरे को प्लीज़ परेशान मत करना, इतने DMs मत करो यार, आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन, प्लीज़ यार समझो थोड़ी मेरी बात।